हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप भी अपने पुराने गाउन को पहन पहन के बोर हो चुके हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी उसे रीयूज़ करने का नया तरीका। सो आप अपने किसी भी गाउन से या नारकली कुर्ते से बहुत ही आसान तरीके से नायरा कट सूट बना सकते हैं जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कली वाली कुर्ती। बैक से बिल्कुल ये सिंपल है और फ्रंट पे इस पर वर्क किया हुआ है। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे बिल्कुल स्ट्रेट करके रख लेना है। फिर उसके बाद हमें इसकी चोली के लिए मार्किंग करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चोली की मार्क कर सकते हैं 13, 14, 15 या 16 इंच पे। मैं इसे 13.5 इंच पे मार्क करूँगी और सिलने के बाद ये 13 इंच पे आएगा, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। फिर इसके बाद हमें इसे पलटना है और इसे डबल फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये सिला हुआ है तो 4 फोल्ड ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो इस तरह से हम रखेंगे और कपड़े को बिल्कुल सीधे कर लेंगे ताकि नीचे कपड़ा कहीं फंस ना जाए। और आर्म होल और कंधे को बिल्कुल बराबर रखेंगे, वरना कपड़ा छोटा या बड़ा कट जाएगा, बिल्कुल बराबर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और इसे बिल्कुल सीधी कर लेंगे। तो ये हमने बिल्कुल बराबर करके रख लिया है। अब इसके बाद हम अपने चोली के लिए मार्किंग करेंगे। तो इंची टेप को बिल्कुल कंधे के पास रख के 13.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आने चाहिए, गले के पास भी और कमर के पास भी। तो ये हमने 13.5 इंच पर इस तरह से करके मार्क लगा लिया है और इस पर मैं दिखाती रही हूँ आपको फिर से मार्क लगा के। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन एकदम ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद हम चारों तरफ से चेक कर लेंगे कि कहीं कंधा छोटा बड़ा तो नहीं, और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे ऊपर वाले पार्ट चोली जो है बिल्कुल रेडी है। बस हमें इसमें नीचे सिलाई लगानी है मोड़ के और इसमें कुछ नहीं करना है। और हम इसमें बाजू अटैच कर लेंगे, बाजू हमने इसका निकाल लिया था। तो ये था इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। इस पर दोनों तरफ वर्क किया हुआ है। अब हम अपने नीचे वाले पार्ट को देखते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में हमें सबसे पहले करना क्या है, ये जो किनारे किनारे इसमें स्टिचिंग की गई थी दोनों तरफ, उसे हमें खोल लेना है। तो देखिए इसमें जो अंदर से सिलाई लगाई हुई है इसे हम अलग कर लेंगे। ये नेट का फैब्रिक है तो इस पर अस्तर भी लगा हुआ है। तो इन दोनों तरफ से हम चारों पार्ट को निकाल के अलग कर लेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट को निकाल के अलग कर लिया है। ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये है इसका बैक वाला पार्ट। ये बिल्कुल सिंपल है। और ये है इन दोनों पार्ट का अस्तर जिसे हम इसी में अटैच कर देंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो अस्तर को हम अपने मेन पार्ट के उल्टे साइड पर रखेंगे और ऊपर से पहले स्टिचिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद उसे हम पलट लेंगे और उसे किनारे किनारे दोनों साइड हम अस्तर को स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चोली वाले पार्ट को नीचे की साइड को स्टिच करेंगे और इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे की साइड को हमें स्टिच करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ था तो ये हमारे साइज का ही है बिल्कुल। तो इस तरह से किनारे से हमें पकड़ना है जहाँ से सिलाई हुई है और फिर इसे दोनों तरफ हम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। तो हम इस तरह से एक राउंड फोल्ड करेंगे और फिर उस पर दोबारा फोल्ड कर लेंगे और फिर इसी तरह से हम इस पर सिलाई करते जाएंगे। तो ये सिलाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कपड़ा कट चुका है तो इसमें से रेशे निकलेंगे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो बिल्कुल चोली वाला सेप आ जाएगा। और अगर आपका फैब्रिक सिंपल हो तो आप उस पर लेस भी लगा सकते हैं। ये हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली है तो हम इस पर कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने फ्रंट साइड का स्टिच कर लिया। अब इसी तरह से हम फोल्ड करके बैक साइड को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है कम्प्लीट। फिर इसके बाद हम दोनों साइड से नीचे से सिलन लगा लेंगे ताकि ये नीचे से खोले ना। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इसे पक्का कर लेंगे। तो ये हमारा चोली वाला पार्ट बिल्कुल बन चुका है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस नीचे वाले पार्ट को अटैच करना है। अब इसके बाद हम नीचे वाले पार्ट को बनाएंगे। तो ये हमने अस्तर लिया है और ये फ्रंट वाला पार्ट ले लिया। अब इसे पहले हम फ्रंट साइड से पहले स्टिच कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़ेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे बिल्कुल बराबर रख के। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम पलट के उल्टे साइड की तरफ कर लेंगे।
फिर इसके बाद उल्टे के साइड से जहाँ ये हमारा कोना है, यहाँ से हम बिल्कुल नीचे तक जहाँ तक हमारा अस्तर है वहाँ तक हम इस पे स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस पे हमने स्टिचिंग कर लिया है, अब हम दूसरी तरफ से आपको स्टिचिंग करके दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल ऊपर की साइड से पकड़ेंगे और हम नीचे तक जहाँ तक हमारा अस्तर है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे इस पे। और अगर आपका अस्तर वाला फैब्रिक नहीं है तो आप सिंपल सिलाई इस पे लगा सकते हैं चारों तरफ से, और उसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे अस्तर के पास तक सिलाई कर ली है। अब हम इसे पलट लेंगे फ्रंट साइड की तरफ। तो देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है, अब इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हम पलट के दोनों कोने को बाहर कर लेंगे और इसी तरह से हम अपने बैक वाले पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए ये बैक वाला पार्ट है, इसे अंदर से बिल्कुल स्टिचिंग कर लिया है हमने और दोनों साइड से इसी तरह से कर लिया है, फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को। तो देखिए बिल्कुल जहाँ तक ये अस्तर है वहाँ तक हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। तो अब हम दिखाते हैं इसे चोली के साथ अटैच किस तरह से करना है। तो इस तरह से हम अपने चोली वाले पार्ट को रखेंगे और इस किनारे से इस किनारे तक ज्वाइंट करेंगे और ये दूसरा वाला जो किनारा है उसे दूसरे किनारे के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो एक किनारे से हम दूसरे किनारे तक बिल्कुल इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट को भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इस पर हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो इस तरह से पकड़ेंगे हम और चोली का दोनों पार्ट जहाँ से ज्वाइंट हुआ है बिल्कुल वही के किनारे से इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल किनारे से रखना है इसे और नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है और उस पर इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। और ध्यान दें कि दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आने चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं हो, क्योंकि ये कली वाला फ्रॉक था तो इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं होगा, जितना चोली का है उतना नीचे का पार्ट भी है, तो बिल्कुल ये बराबर आया हुआ है। तो एक साइड की ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे पलट लेंगे और अपने बैक वाले साइड की भी सिलाई कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने अब फ्रंट वाले साइड के किनारे से रख के बिल्कुल सिलाई की है उसी तरह से हम बैक वाले साइड को भी रखेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे। नीचे के फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और इस पर बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। फाइनली ये हमारी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। तो देखिए दोनों किनारे स्लिट चाक बन चुकी है। तो ये रहा हमारे नायरा कट कुर्ती का फाइनल लुक। तो अगर आप भी अपने पुराने गाउन को पहन पहन के बोर हो चुके हैं तो इस तरह के नए आइडियाज़ का आप यूज़ ज़रूर करें। तो ये हमारी कुर्ती बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुकी है। अगर आपका फैब्रिक सिंपल है तो आप दोनों तरफ लेस भी लगा सकते हैं, इसमें डोरी या लटकन भी लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है इसलिए हमने नहीं लगाया। तो आपको हमारी आइडियाज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये आइडियाज़ अच्छी लगी हो तो अपने रिलेशन में शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही में लाइक सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।